शादी लव मैरिज किए हैं, अपने मर्जी से किए हैं। फेसबुक के माध्यम से प्रेम हुआ था आज से 6 साल पहले। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे। उसके माँ ने 2 दिन बाद जा करके केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जा करके कोर्ट में जाके शादी किए। तो वो भी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शेखर। भागलपुर में एक अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिल रही है। दरअसल भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी ज्योति सिंह और बहबलपुर निवासी करण सिंह के बीच पिछले 6 वर्षों से फेसबुक पर रील्स बनाने के दौरान प्रेम हुआ था और वह प्रेम परवान चढ़ा। परवान ऐसा कि दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कसम खाकर 25 दिसंबर को झारखंड स्थित देवघर मंदिर में जाकर शादी कर ली। और उसके बाद लड़की के परिजन, लड़की के पिता मुंगेर जिले में छोटा दरोगा है, उन्होंने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया, अपनी लड़की की अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस लगातार लड़के के परिजन को तंग कर रही थी। उसके बाद लड़की दुल्हन के रूप में मधुसूदनपुर थाना पहुंचती है और वह थानेदार को कहती है कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वह अपनी इच्छा से अपने पति करण सिंह के साथ गई थी जो उसके प्रेमी थे और उस दोनों के बीच पिछले 6 वर्षों से प्रेम संबंध था। देखिए लड़की क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, और लड़का करण सिंह शादी होने के बाद कितना खुश है और लड़का भी क्या कह रहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो आज थाना पहुंची हो, क्यों पहुंची हो? शादी लव मैरिज किए हैं, अपने मर्जी से किए हैं। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम। कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपने मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर किसी तरफ से नहीं। हम अपने मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। केस जो किए हैं पापा तुमने, तो वो भी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा। गलत की है? जी हाँ। अब पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। कहाँ है पति अभी आपके? घर पे ही है। घर पे है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। खुश हो शादी से? बहुत ज्यादा। सबसे पहली बार फेसबुक के माध्यम से प्रेम हुआ था आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है। वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी। हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो, उसके बाद तुम आना। उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए। मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है, उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, रजामंदी से करवा दूंगा, उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब अबजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था, तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे, शादी दूसरे जगह करवा देंगे या आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो आप आइए मेरे घर। तो मैं गया, मैंने उसको घर से, उसकी माँ से बात कर, माँ से भी कहा, तो माँ ने भी कहा कि नहीं, 2 साल बाद मैं शादी करवाऊंगा, तुम दोनों का करवाऊंगी, ठीक है। तो माँ ने 2 साल बाद बोला, तो ज्योति कुमारी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, ये लोग कहीं और शादी करवा देंगे। बस मैंने उसको घर से लेकर आया और अपने घर पे सीधा लेकर के आया, और उसके बाद बाबा नगरी देवघर में जाके हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी रचाया। 25 तारीख दिसंबर जी। कोर्ट में भी फिर शादी किए? उसके बाद कोर्ट में शादी किए। जब मुझे लगा, उसके पिताजी ने, उसके माता ने, मुझे नहीं लगा था, उसके माता ने कहा था कि, माँ ने कहा था कि
जाओ ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो मुझे लगा केस मुकदमा नहीं होगा, तो मैंने जाके हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया देवघर में। और उसके बाद उसके माँ ने दो दिन बाद जा करके केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जा करके कोर्ट में जाके शादी किए, मैं करण सिंह और ज्योति कुमारी ने। अब उसी के साथ रहना चाहते? जी बिल्कुल, और वो भी मेरे साथ रहना चाहती है। क्या लगता है जो केस उस किया है वो लोग तो कोई परेशानी भी डर भी किसी तरह का? किसी तरह का डर नहीं है, परेशानी क्या है देखिए ये तो वो प्रशासन की बात है, प्रशासन के पास केस है, उसकी माँ ने केस किया है, बाकी हो सकता है कि जान मारने का भी दबाव दे। मेरी लड़की तो मेरे साथ है, पत्नी आपके साथ है। जी और लोग जान मारने का धमकी भी दिए है? धमकी दिए नहीं है, उसकी माँ बोलती थी पहले। हाँ। पहले बोलती थी। हाँ। अभी नहीं, आने के बाद तो बात नहीं हुई है। हाँ। लेकिन पहले बोलती थी करण माँ को मरवा देंगे। डर है ना कहीं कहीं? हाँ डर है, थोड़ा बहुत डर भी है। सुरक्षा भी चाहते हैं? सुरक्षा भी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह राजपूत और मेरे पिताजी का नाम पेशर राजमोहन सिंह, साकिन बहवलपुर, थाना मधुसूदनपुर। सात जन्म का साथ निभाने का वादा कर करण और ज्योति ने शादी रचा ली है और अब वह एक दूसरे के हो गए। ज्योति कहती है कि वह शादी से काफी खुश है, केवल डर उसे अपने ही परिजनों से है। वहीं करण शादी से काफी उत्साहित है और उसने कहा कि वह ज्योति को परी बनाकर रखेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।